हेलो मेरे किचन मास्टर। तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ बिहार के फेमस खजूर का रेसिपी। तो दोस्तों बिहार में खजूर कैसे बनाया जाता है आज मैं उसका वीडियो लेकर आई हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं क्या क्या इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोस्तों इसे बिहार में खजूर बोला जाता है और बहुत सारे शहरों में बोला जाता है ठेकुआ। तो दोस्तों आप क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए दोस्तों बिहार में खजूर कैसे बनाया जाता है मैं आपसे बता रही हूँ। तो मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी सूजी। तो दोस्तों मैदा को आधे डालना है आपको सूजी। तो दोस्तों मैदा सूजी तो मैंने ले लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी। तो दोस्तों घी कितना डालना है आप घी गरम कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डालकर इसे मिक्स कीजिए। एक बार में आपको घी पूरा नहीं डालना है। तो दोस्तों 1 कटोरी घी इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, आधी कटोरी से थोड़ा सा कम ही लगेगा। लेकिन दोस्तों एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालकर उसके बाद आप मिक्स कीजिए। तो दोस्तों सही से मोइन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोइन सही से नहीं लगाएंगे तो आपका खजूर है टाइट हो जाएगा, तो टाइट खजूर अच्छा नहीं लगता है खाने में दोस्तों। तो इसलिए मोइन सही से लगाएं और मिक्स भी सही से करें। अगर आप घी डाल दे दिए और सही से मिक्स नहीं किए तो आपका खजूर का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो आप घी भी डालिए और सही से मिक्स भी कीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखिए आप दोनों हाथों से दबा दबा के मिक्स कीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल कद्दूकस किया हुआ। तो दोस्तों अगर आपके पास गड़ी बुरादा है तो आप गड़ी बुरादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास गड़ी बुरादा नहीं है तो आप नारियल को कद्दूकस कर लीजिए, उसके बाद खजूर के अंदर डाल दीजिए। तो दोस्तों मैंने डाल दिया, देख सकते हैं मैं दोनों हाथों से कैसे मिक्स कर रही हूँ। तो दोस्तों सही से मिक्स करके उसके बाद ही इसमें चीनी का इस्तेमाल करना है। तो देखिए दोस्तों मैं आपसे दिखा रही हूँ कि मोइन सही लगा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मोइन बिल्कुल बढ़िया लगा है। तो आप ऐसे ही गुल लड्डू बनाकर देख लीजिए, अगर गुल लड्डू सही से बन जा रहा है तो आप समझ जाइए कि मोइन सही लगा है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी चीनी। तो दोस्तों ध्यान रखिए 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी चीनी, आधी कटोरी घी या रिफाइन जो भी हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो दूध की जगह पर पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप दूध डालकर बनाएंगे तो लगेगा ही नहीं कि आप खजूर खा रहे हैं, बिल्कुल इसका मिठाई जैसा टेस्ट आएगा। बहुत बढ़िया आता है टेस्ट दोस्तों। तो आप एक बार दूध डालकर बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप देख सकते हैं दूध डालकर मैं इसे सही से मिक्स फिर से कर ले रही हूँ। तो दोस्तों मिक्स करके मैं इसे रेस्ट पे 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी। तो इसे मिक्स करके और उसके बाद ही आप सेप दीजिए। तो देखिए दोस्तों अगर आप 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दे रहे हैं तो आपका सूजी जो है सही से फूल जा रहा है और चीनी भी सही से मेल्ट हो जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैं इसे रेस्ट पे छोड़ी थी। तो अगर आपके घर में सांचा हो तो आप सांचे पे खजूर को ठोक सकते हैं। अगर सांचा नहीं है तो आप अपनी हथेली पर भी बना सकते हैं। तो देखिए मैं हथेली पर कैसे बना रही हूँ। तो दोस्तों आज मैं लंबे शेप में खजूर को बना रही हूँ। अगर आपको गोल शेप पसंद है तो आप गोल शेप में बनाइए। देखिए दोस्तों मैं डिजाइन कैसे बना रही हूँ। तो मैं कांटे वाले चम्मच से इस पर डिजाइन बना दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मेरा खजूर बना है। तो दोस्तों ऐसे ही हम सभी खजूर को बना लेंगे और इसी कांटे वाले चम्मच से मैं डिजाइन बनाऊंगी। देखिए दोस्तों हो गया ना शेप वाला खजूर। अब चलिए दोस्तों इसको तल लिया जाए। तो आपको तलने कैसा है मैं बताती हूँ। तो मैंने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। तो दोस्तों तेल को ज़्यादा धुआंधार गर्म नहीं करना है आपको। तेल जब हल्का गर्म हो जाए उसके बाद आप एक एक करके खजूर को डाल दीजिए। तो देखिए दोस्तों तेल हल्का गर्म हो गया है तो मैं इसमें एक एक करके खजूर को डाल रही हूँ। तो दोस्तों एक बार में आप 6 या 7 डाल सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, एक तरफ से पक गया है, अब मैं इसको पलट दे रही हूँ। तो दोस्तों गैस को लो टू मीडियम पे ही रखें। अगर हाई फ्लेम पे तलेंगे तो जल्दी जल्दी खजूर तो आप तल लेंगे, लेकिन अंदर से कचापन रह जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, गैस को लो टू मीडियम पे करके उसके बाद ही खजूर को तलें। तलते समय में ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर आ गया है। देखिए दोस्तों, अब सही से पक गया है। तो मैं खजूर को तेल के अंदर से निकाल ले रही हूँ। तो दोस्तों निकाल कर उसके बाद मैं आपसे दिखा रही हूँ तोड़कर कि मेरा खजूर कैसा बना है। तो दोस्तों ऐसे ही हम सभी खजूर को तल लेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा खजूर का रेसिपी आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा खजूर कैसा बना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मेरा खजूर बना है। तो दोस्तों मैं आपसे तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए छूते ही टूट गया। तो दोस्तों अगर मेरा खजूर आपको पसंद आया है तो आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिए। थैंक यू।